What's up guys, welcome back to my new vlog। तो कैसे आप सब लोग आ गए एक और न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता है, हम अपने चैनल में इंटरेस्टिंग व्लॉग लाते रहते हैं, तो आज का व्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज पहुंच चुके हैं बहुत ही बढ़िया वाली जगह पे। नए साल में यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, मैं सोचा क्यों ना घूम लिया जाए थोड़ा सा और आपको भी दिखा दिया जाए। तो आए हैं और आपको ले चलते हैं और थोड़ा अंदर घुमाते हैं, चलते हैं एंट्रेंस गेट की तरफ। और कहाँ मैं आया हूँ ये आपको पता चल जाएगा, वीडियो को पूरा एंड तक के जरूर देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पे नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए गाइज, और हाँ, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा हमारा ये नया बोया का माइक, तो अभी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है एक बार बता देना कमेंट में। ये वाला माइक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो चलो फटाफट से चलते हैं। पहले मैं मास्क पहन लिया हूँ क्योंकि यार बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, और पीछे देखो मैं बहुत सारे शॉट्स भी लगे हैं। तो अभी एंट्रेंस गेट तक के हम लोग जा रहे हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है ये जगह और कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये तो मैं अभी यहाँ के पार्किंग में खड़ा हूँ। अंदर जाने के लिए हमें पहले यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा, तो आप भी आओगे तो आपको भी टिकट लगेगा यहाँ पे। तो चलो पहले हम लोग चलते हैं अंदर और एक बार भीड़ देखो यार, आज नया साल है इसलिए यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। पापा भी गए हैं टिकट लेने और उनके आने के बाद मैं आपको बताता हूँ रेट कितना है। टिकट भी ले लिए, ये देखो ऐसी है कुछ, 20 रुपीस लगे एंट्री चार्ज। अंदर चलते हैं और अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ आए हैं। हम लोग आए हैं मैत्री गार्डन जो भिलाई में है, भिलाई स्टील के प्लांट के पास हम लोग जा रहे हैं अंदर। पापा और मैं आए हूँ, फैमिली हमारी नहीं आई क्योंकि यार मम्मी को थोड़ा काम था और मम्मी फिर तैयारी वैयारी कर रही होगी अपना, उनको अलग काम रहता है। कहाँ से जाना होगा, इधर से ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे गेट भी दिख जाएंगे एंटर करने के लिए, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। कहाँ है दो भाई टिकट पकड़ो। अच्छा पकड़ने के वापस, ये वापस पकड़ के क्या करेंगे वापस पकड़ा दिया मेरे को टिकट, अंदर रखना है बोल रहे हैं, रखे रहना उसको, क्या पता बाहर जाते समय चेक करेंगे। गाइस यार भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ है। तोप, अरे वाह, ये देखो मेरे पीछे तोप, पर ये असली नहीं है, असली है शायद, असली नहीं है, नकली नकली है, नकली। ये देखो गाइस टोप, पहले जब मैं छोटा था ना तब जब मैं आता था मम्मी पापा के लोग एक साथ तब इस पे बैठ जाता था। लाल अभी मैं चढ़ चुका हूँ ऊपर और ये देखो वाह, ब्रिज टाइप का था यहाँ पे एंट्रेंस गेट में, और सामने देखो यार क्या ही जहर व्यू आ रहा है। ये क्या है, आपको इंडिया का मैप है ये, और वहाँ पे देखिए, अरे वाह यार गाइस कतई जहर मजा आ रहा है। और यहाँ पे देखो भीड़ अभी आई जा रही है, बहुत बना लिए वीडियो, थोड़ा शॉर्ट्स भी शूट कर लिए। एक बार आप लास्ट व्यू देख लो, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे और लोकेशन भी बहुत ही बढ़िया है फोटोग्राफी के लिए भी। आराम से उतरना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ते समय ज़्यादा भयानक लगती है, उतरते समय नहीं लग रही। चलो चलो चलो, तो अभी यहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं और अभी हम लोग को जाना है आगे। चलो इधर से जाएंगे, इधर से कि इधर से, कहाँ पे क्या लोकेशन आएगा, ट्रेन में बैठेंगे क्या हम लोग, वापसी में दोनों तो नहीं आ पाएंगे। हाँ इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं। हाँ चलो, तो गाइस हम लोग सोच रहे हैं इधर से चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको लोकेशन बोर्ड भी पता चल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या क्या है। अगर आप पहली बार आओगे तो एक बार बोर्ड को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, हम लोग चलते हैं इधर से। तो इधर में एक बहुत ही खास चीज़ है जो आपको पता चल जाएगी और मैं बता दूँ, आप इधर से आओगे तो आपको यहाँ पर ट्रेन मिलेगा, जो ट्रेन चलती है यहाँ पर बहुत आपको घुमाता है थोड़ी देर और बहुत ही मज़ा आएगा। तो स्टेशन पड़ता है यहाँ पे, अंदर ही है ट्रेन का, गुफे वुफे से लेके जाएगा आपको, बहुत ही मज़ा आएगा अगर आप अपने चिल्ड्रंस के साथ आओगे तो, बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पे उनको भी। हम लोग तो बहुत बार आए हैं पर अभी हमने सोचा क्यों ना आप न्यू साल में यहाँ की भीड़ को देख लिया जाए और आपको भी दिखा दिया जाए, इसलिए हम लोग आ गए आज। और मम्मी को नहीं ले आए, क्यों नहीं ला पाए, क्योंकि उनको काम था। मेरे पीछे देखो यहाँ पे ट्रेन का पहले वाला पटरी था और यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि पीछे मेरे गार्डन है और प्लेग्राउंड टाइप का है, बहुत ही बढ़िया खेलने के लिए। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में ही इतनी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए,
और हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत ही शुद्ध हिंदी। हमें बाहर जाने की दिक्कत नहीं है और यहाँ पे आपको भी घूमने में मज़ा आ जाएगा। अगर आप कहीं और से आओगे और यहीं छत्तीसगढ़ में रहने वाले हो तो आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता, तो इसलिए हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जिससे कि हमारे चैनल के द्वारा आपको छत्तीसगढ़ के बारे में भी पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप भी घूम सकते हो। जो लोग बाहर जाते हैं वो छत्तीसगढ़ में घूमिए। और यहाँ पे आ गए हम लोग ट्रेन के पास, ये बंद है आज और ट्रेन पीछे खड़ी है, मैं आपको दिखा दूँ। कोरोना के चलते हुए ये बंद है और ट्रेन छोटी सी एकदम। मज़ा आता है, मैं इसमें बहुत बार घूमा हूँ जब छोटा था तब भी। अगर आप यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन भी देखने मिल जाएगा। मेरे पीछे एक बार बोर्ड देख लो, अभी शायद ये बंद है क्योंकि ये शाम के टाइम पे चालू होता है, अभी कौन सा दिखने वाला है रोशनी में। म्यूज़िकल फाउंटेन का रास्ता आपको यहाँ से पड़ जाएगा। यहाँ पे जो है फाउंटेन शो होता है और ये अभी बंद है क्योंकि अभी थोड़ी ना चलेगा। रात को अगर आप आओगे रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे, तो आपको दिन मिल जाएगा यहाँ फाउंटेन शो देखने। एक बार पास से देख लीजिए आप कैसा है यहाँ का नज़ारा, और यहीं पे होगा फाउंटेन शो शाम के और रात के टाइम पे। गाइस अब आपको एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया व्यू दिखाता हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे, और वहाँ पे टटल भी बना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना भीड़ है गाइस, और सभी आए हैं यहाँ न्यू ईयर के जश्न के लिए और न्यू ईयर मनाने यहाँ अपनी फैमिली के साथ। मैं तो पापा के साथ आया हूँ अपने, आपके लिए और आपको दिखाने के लिए। घूमते घूमते अभी हम लोग पहुँच गए मैत्री बाग, और मेरे नीचे देख सकते हैं यहाँ इसका एड्रेस है। बाबा मेरे को छोड़ के भाग गया, अरे आ जाओ, हेलो हेलो, सब्सक्राइब कर देना ना। तो गाइस देखो ऐसे हमें सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, मेरे को लेके छोड़ के भाग गया बता। बाप रे यार गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप कितना भीड़ है, और अभी हम लोग हैं यहाँ पे चिड़ियाघर में। तो गाइस अब हम आपको स्टार्ट करते हैं चिड़िया दिखाने और चिड़ियाघर, चलो और आप भी देखो और एंजॉय करो। वीडियो को अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, देखते हो लेकिन चले जाते हो भाई, अपने सपोर्ट करो यार, अपने दिल से प्यार भीड़ में हम वीडियो बनाते हैं। तो देखने के लिए यहाँ इतना भीड़ है, मैं आपको कैसे दिखाऊँ। अब आ गई बारी टाइगर।